तो दोस्तों अभी जो है हम लोग रात का समय है और लाल दरवाजा आए हैं। यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है कि किचन में एक बड़ा सांप देखा गया है, तो पहुँच चुके हैं, बने रहिए वीडियो में, चल कर रेस्क्यू करते हैं। दोस्तों यहाँ क्या है देख पा रहे हैं, डब्बा है, डब्बा और डब्बे के बगल में ईंट रखी हुई है और यही बता रहे हैं कि कोबरा सांप है ना, नाग सांप। देखते हैं नाग सांप है कि क्या है। हाँ पूछ तो शायद है सांप का, कौन सा सांप है। अरे वाह कोबरा ही लग रहा है। तो आइए ना दोस्तों देखिए कोबरा सांप है, ये कोबरा सांप है। और देख सकते हैं किस तरह से दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, हालांकि यह ज्यादा दूर तो चढ़ नहीं पाएगा क्योंकि इसे मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उससे पहले हम लोग इसे पकड़ लेंगे। लेकिन देख लीजिए सांप जब डरते हैं तो किस तरह से फन फैलाते हैं दोस्तों। हालांकि ये काटना नहीं चाह रहा है, थोड़ा सा हम लोग इसे जो है चाह रहे हैं कि अपना हुड अच्छे से दिखा दे। अरे वाह ये हुआ दोस्तों कोबरा का डराने वाला अंदाज, किस तरह से कोबरा सांप आपको डराते हैं, खतरा होने पर किस तरह से खड़ा हो जाते हैं। और ये छोटा बच्चा है लेकिन काफ़ी गुस्से में है, तो कोबरा का बच्चा है दोस्तों, गुस्सा इसके नस नस में है। कहते हैं हमारे देश में राजपूत जो है लड़ने में माहिर होते हैं और इस सांप को भी लोग कहीं ना कहीं राजपूत से इसकी तुलना करते हैं। तो अब इसे हम लोग भागने नहीं देंगे, काफ़ी एक्टिव है, छोटा सांप है इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, इसे थोड़ा शांत कर देते हैं। तो देख सकते हैं हमने इसे होल्ड कर लिया है, पकड़ लिया है और ये भागना चाह रहा है। तो बताते चले दोस्तों किचन के अंदर है ये सांप, इसलिए काफ़ी खतरे की बात है क्योंकि जहरीला सांप है दोस्तों, अगर इंसानों के संपर्क में आ जाता तो कहीं ना कहीं कोई अनहोनी हो सकती थी, हादसा हो सकता था अगर स्नेक बाइट हो जाती तो। तो कभी भी स्नेक बाइट हो आपके पास लगभग घंटे भर तक का समय है, 40 मिनट से एक घंटे तक का समय मिलेगा आपको। इस दरमियान क्या है आपको सरकारी सदर अस्पताल जाना है, झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं रहना है आपको। तो आइए दोस्तों इस सांप को अब हम लोग पैक कर लेते हैं, छोटा सांप है ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं इसे और आसानी से रेस्क्यू करते हैं। बन रही है वीडियो में निकाल लिया डब्बा। तो आइए दोस्तों इस सांप को हम लोग करेंगे पैक, देख लेते हैं एक दो बार आपको दिखा के इसके हिसिंग साउंड सुना देते हैं। शायद ये अब समझ गया है कि हम इसे कुछ करेंगे नहीं, इसलिए अभी शांत हो गया। तो चलिए इसे पैक करते हैं, सुबह लेकर चलेंगे इसे जंगल जहाँ से हम लोग रिलीज करेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। छोड़ देते हैं भैया, छोड़ देते हैं।